लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। कांग्रेसी सांसद नकुल नाथ की सुरक्षा कम करने को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला बोला है। अपने आवास पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए पीसी शर्मा ने कहा कि चुने हुए जनप्रतिनिधि और जनता को परेशान करना भारतीय जनता पार्टी का काम रहा है और कांग्रेस पार्टी ने ऐसा काम कभी नहीं किया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में पहले 54 विधायक दिग्विजय सिंह को वोट करेंगे और फूल सिंह बराया को मत दिया जाएगा। वहीं निर्दलीय और सपा बसपा विधायकों के बीजेपी कार्यालय जाने पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि फूल सिंह बराया का पुराना इतिहास है, वोटिंग जब होती है तो वोट दिखाने की जरूरत नहीं होती है। उन्होंने कहा कि रिजल्ट जब आएगा तो सब चीज समझ में आ जाएगी और यह चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। बैठक टूटी, कई सारे विधायक कांग्रेस के नजारा रहते, चाहे के पी सिंह, लक्ष्मण सिंह। आज दल की फिर बैठक है क्योंकि कल राज्यसभा के चुनाव है और उसकी पूरी तैयारी कंप्लीट हो गई है। विधायक दल की जो 4-5 विधायक नहीं आए थे वो उन्हें सूचना दे दी थी पीसीसी को, कमलनाथ जी को, कि किसी कारण वो नहीं आ पा रहे, वो सब आ जाएंगे। और कल जब वोटिंग होगी सब उपस्थित रहेंगे। कल मॉक पोलिंग हुई थी कि किस तरह से वोट करना है सबको, और आज फिर एक बार वो रिपीट होगी जिससे कहीं कोई गलती नहीं हो। पहले 54 जो हैं वो दिग्विजय सिंह जी को वोट करेंगे, उसके बाद के जो फूल सिंह बरैया जी को वोट करेंगे। कांग्रेस की पूरी तैयारी है और बाकी अन्य विधायकों से भी कांग्रेस संपर्क में है। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।